हेलो स्टूडेंट, मैं रेनु श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हिंदी की क्लास में एक बार पुनः हम मात्राओं का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। और स्टूडेंट, आप तो जानते हैं हम लोगों ने लगभग सारी ही मात्राएं पढ़ ली हैं, और अब एक बार फिर से मात्राओं का क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, देख लेते हैं और उस मात्रा की पहचान कर लेते हैं। और जैसे कि हमने आ की मात्रा का फिर से अभ्यास किया, छोटी बड़ी की मात्रा किया, तो आज हमने ली है छोटे ऊ की मात्रा। ये छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से। और छोटा ऊ है आपका, ये आपकी छोटे ऊ की मात्रा है। तो सबसे पहले छोटे ऊ की मात्रा की पहचान एक बार कर लेते हैं। इसकी पहचान ये है, ये लगती कैसे है, वर्ण के क्या करते हैं, नीचे पैर के नीचे लगती है, और इसका ये जो होता है ये अंदर की साइड में होता है। तो ये आपकी कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। तो छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्द आपने पढ़े होंगे, और आज हम क्या करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे, और वाक्य भी बनाना सीखते हैं कि छोटे ऊ की मात्रा से छोटे छोटे वाक्य कैसे बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा से बने कुछ छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वो लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप बताइए, छोटे ऊ की मात्रा से बने कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, आपका छोटे ऊ की मात्रा से कौन कौन सा शब्द बनता है, आपका बनता है चुन। अब आपको चुन लिखना होगा, तो चा चापे छोटे ऊ की मात्रा, ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा ये हो गई आपकी, चुन चुन चुन। कौन सी मात्रा है ये, छोटे ऊ की मात्रा है। चुन बुन 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 चुन बुन। अब बताइए स्टूडेंट और क्या क्या हो सकता है, और कौन कौन सी मात्रा है, कौन से शब्द हैं जो जिस पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो आपका है चुन हो गया, बुन हो गया, और अब हम लिखते हैं सुराही, सु सु रा ही। अब देखिए सु रा ही सापे कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। सुराही हो गया आपका, और आपका हो गया सा बापे छोटे ऊ की मात्रा, सा बु न क्या हो गया आपका, ये साबुन। क्या लिखा हम लोगों ने, साबुन। और उसके बाद हो गया द दा तू न दातुन। तो क्या हुआ, दा दापे आ की मात्रा, ता तापे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। तापे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। फिर देखिए आपका हुआ पू पा, पापे छोटे ऊ की मात्रा, जा जापे आ की मात्रा, रा रापे पड़ी की मात्रा। तो ये क्या हो गया आपका, पुजारी। क्या हो गया, पुजारी। फिर आपका आता है पा शु पा पशु, तो पशु में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। पशु है कुल क, कपे छोटे ऊ की मात्रा, ला कुल। और क्या हो सकता है आपका, पुल कुल पा, पापे छोटे ऊ की मात्रा, ला पुल। साधु सा, सापे आ की मात्रा, धा धापे छोटे ऊ की मात्रा। तो क्या हो गया आपका, साधु। क्या हो गया, साधु। फिर धुन सुन, धा धापे छोटे ऊ की मात्रा, और ना धुन।
स सापे छोटे ऊ की मात्रा सुन। तो देखिए ये क्या थे आपके छोटे ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द। तो ये जो आपकी ऊ की मात्रा है चलिए इसको हम एक बार फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। चुन, ये जो आपका रेड से है वो कौन सी मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। अब देखिए ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ से घूम रहा है, ये जो राउंड कर रहा है वो अंदर की तरफ से कर रहा है। ये प शु कु ल पु ल सा धु धु न सु न। तो ये सब क्या हो गए छोटे ऊ की मात्रा से बने आपके शब्द हो गए। ये तो आप जानते ही हैं कि छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्द। एक बार हम लोगों ने क्या कर लिया इसका फिर से अभ्यास कर लिया और इसकी पहचान भी आप देख लीजिए अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये छोटे ऊ की मात्रा है। तो ये तो आपके छोटे ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द थे। अब अगर आपको छोटे ऊ की मात्रा से कुछ वाक्य बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब छोटे छोटे वाक्य आप बताइए क्या क्या बन सकते हैं आपके आपके छोटे छोटे वाक्य चलिए बनाना सीखते हैं। जैसे है बुल बू ल बुल 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 गीत गी त गीत बुलबुल गीत गाती बुलबुल गीत गाती है बुलबुल गीत गाती है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका एक वाक्य बन गया, क्या बन गया वाक्य बन गया। और इसमें देखिए ये जो मात्रा लगी वो किसकी लगी छोटे ऊ की, बुलबुल गीत गाती है और फिर आपको दूसरा वाक्य देखिए क्या बनता है सुबह 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 उठ सुबह सुबह उठ। मैं आप देखिए सापे कौन सी मात्रा है आपके छोटे ऊ की, सुबह सुबह उठ। तो आपका क्या हो गया ये देखिए वाक्य बन गया, क्या बन गया आपका वाक्य बन गया, किससे बना छोटे ऊ की मात्रा से, ठीक है किससे छोटे ऊ की मात्रा से। और फिर है आपका देखिए मधुर म धू र मधुर गीत गीत गा मधुर गीत गा। तो देखिए मधुर धापे कौन सी मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। तो इससे क्या बन गया देखिए छोटा सा ये वाक्य बन गया आपका कि मधुर गीत गा। और आपका क्या हो सकता है छोटे ऊ की मात्रा से और कौन सा आपका क्या क्या शब्द बन सकते हैं आइए देखते हैं। दा दा तू दातुन कर दातुन कर। तो तापे कौन सी मात्रा लगी है आपकी छोटे ऊ की मात्रा, ये आपके छोटे ऊ की मात्रा हो गई। और देखिए एक छोटा सा आपका क्या हो गया वाक्य बन गया, क्या बन गया छोटा सा वाक्य बन गया। फिर आइए देखते हैं ऐसे ही छोटे छोटे और वाक्य बनाते हैं और आपका हो सकता है पुल प पापे छोटे ऊ की मात्रा
ला पुल पर पुल पर मत पुल पर मत जा। तो ये क्या हो गया, पुल पर मत जा मीन्स पापी कौन सी मात्रा लगी आपकी, छोटे उ की। पुल एक शब्द हो गया और पुल पर मत जा आपका क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, छोटा वाक्य आपने बनाया। चलिए आइए देखते हैं और क्या बना सकते हैं। पशु प शु पशु को पशु को मत मार पशु को मत मार। तो पशु क्या था, एक शब्द था, उससे हम लोगों ने क्या बनाया, वाक्य बनाए, पशु को मत मार। तो प और शा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटे उ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है, छोटे उ की मात्रा। तो देखिए पहला वाक्य हम लोगों ने बनाया, बुलबुल गीत गाती है, फिर सुबह सुबह उठ मधुर गीत गा, दातून कर पुल पर मत जा, पशु को मत मार। ठीक है, ये क्या हुए आपके छोटे छोटे देखिए वाक्य बने, किससे, छोटे उ की मात्रा से। आइए देखते हैं और क्या बन सकता है। सुराही, चलिए सू रा ही सुराही सुराही में पानी भर सुराही में पानी भर। तो देखिए सुराही में पानी भर। ठीक है, तो सापे कौन सी मात्रा लगाई हम लोगों ने, छोटे उ की मात्रा। सुराही में पानी भर, तो सापे कौन सी मात्रा लगी है आपकी, छोटे उ की मात्रा। तो सुराही क्या हो गया, एक शब्द हो गया, और सुराही में पानी भर तो क्या हो गया, एक वाक्य बन गया, एक छोटा सा वाक्य बन गया। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। अब आपका है साबुन सा ब बापे छोटे उ की मात्रा, साबुन ल गा कर साबुन लगा कर न हा। क्या हो गया, साबुन लगा कर नहा। तो साबुन, साबुन क्या है, एक शब्द है, और साबुन जो शब्द बना है वो किससे बना है, छोटे उ की मात्रा से। सा पे कौन सी मात्रा है, आ की, और बा पे कौन सी मात्रा है, छोटे उ की। तो चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, छोटे उ की ये मात्रा हुई आपकी, जो रेड से इंडिकेट हो रहा है वो क्या है आपके, छोटे उ की मात्रा है, साबुन लगाकर नहा। ठीक है, ये आपका एक वाक्य बन गया। अब देखिए एक वाक्य और बनाते हैं, चलिए पुजारी प पापे छोटे उ की मात्रा, ज र रापे बड़ी उ की मात्रा, पुजारी के घर चल, पुजारी के घर चल। तो पुजारी क्या था, पुजारी किसको कहते हैं, जो पूजा करते हैं मंदिर में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पुजारी कहते हैं। तो पुजारी एक शब्द है, और इस शब्द से हमने जो वाक्य बनाया, क्या बनाया, छोटा वाक्य बनाया, पुजारी के घर चल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पापे कौन सी मात्रा हो गई, छोटे उ की मात्रा, प
पापे हो गई छोटे उ की मात्रा। तो देखिए हम लोगों ने इतने वाक्य बनाए किससे, छोटे उ की मात्रा से। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि छोटे उ की मात्रा जो है उसकी पहचान इस तरीके से होती है। छोटे उ की मात्रा की पहचान है ये, उससे छोटे उ की मात्रा से बने कुछ शब्द हैं, और ये आपका क्या है, कुछ हम लोगों ने वाक्य बनाए किससे बनाए, छोटे उ की मात्रा से। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप भी क्या करोगे, अपनी बुक है, आपके पास बुक है, उस बुक पे पढ़िए आप और उ की मात्रा को ध्यान से समझिए कि इसमें उ की मात्रा कौन सी है, और आप भी ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखिए। तो आपका क्या होगा, एक बार फिर से मात्राओं का अभ्यास हो जाएगा और फिर आगे चल के आपको हमेशा याद रहेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपको पढ़ने में भी ईजी होगा। आप कोई भी मात्रा लगी होगी आप पढ़ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, और अगर आपको आपसे कोई कहता है तो आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।